हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स करेंगे। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। पहला एग्जांपल क्या, देखो, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कहाँ पे होता है? दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी? स्टेप फर्स्ट, डिवाइड ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है? 4052। लिख देना आप रीजन, सिंस 12576 इज ग्रेटर देन 4052, ठीक है। तो डिविडेंड आएगा, किसका यूज़ करेंगे हम? यूक्लिड डिवीजन लेमा का। इनटू में क्या आएगा? डिवाइजर इज इक्वल टू, इनटू में कोशेंट आएगा, प्लस में कुछ रिमाइंडर आएगा। तो आपको डिवाइड करना होगा किसको? 12,556 को डिवाइड करो किससे? 4052 से। तो डिवीजन तो लगभग सभी को आता ही है, तो डिवीजन में टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। देखो, 3 टाइम्स आएगा और रिमाइंडर बचेगा 420। सिंपल डिवीजन है, आप भी कर सकते हो सिंपल डिवीजन। तो सिंस रिमाइंडर क्या है यहाँ पे? रिमाइंडर इज नॉन जीरो, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है। रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो स्टेप टू होगी। स्टेप टू में क्या होगा? डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड 4052 बाय रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? 420, ठीक है। तो पहले अब डिविडेंड हो जाएगा, तो 420 डिवाइजर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कोशेंट आएगा, प्लस में रिमाइंडर आएगा। तो 420 को डिवाइड कर 4052 को डिवाइड करना होगा 420 से। तो कोशेंट देखो, 9 आएगा, कोशेंट 9 आएगा, और जो रिमाइंडर होगा ना 272 होगा, 272 होगा। सिंस रिमाइंडर इज नॉन जीरो, स्टेप 3 होगी। अब क्या होगा? डिवाइड डिवाइजर बाय रिमाइंडर 272, 420 होगा इज इक्वल टू 27 को डबल करेंगे तो 54 आ जाएगा, इससे ज़्यादा आएगा ना। तो रिमाइंडर तो 1 आएगा, जो कोशेंट है वो 1 आएगा, और जो रिमाइंडर है वो 148 आएगा। सिंस रिमाइंडर इज नॉन जीरो, स्टेप 4 होगी। डिवाइड 272 बाय 148, तो 272 इक्वल टू 148 इंटू में 1 प्लस में 124। सिंस रिमाइंडर इज नॉन जीरो, ठीक है। तो स्टेप 5 होगी, डिवाइड 148 बाय 124। तो 148 को डिवाइड करो 124 से, क्वेश्चन तो 1 आएगा, प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा देखो, 24। सिंस रिमाइंडर इज नॉन जीरो, तो स्टेप 6 आएगी, डिवाइड
124 बाई 24, तो 124 को डिवाइड करना आपको 24 से, तो 5 टाइम जाएगा, ठीक है, 4 टाइम, और 4 बचेगा, ठीक है। सिंस रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, सिंस रिमाइंडर इज नॉन जीरो, तो स्टेप 7 होगी। 24 को आपको डिवाइड करना है किससे, डिवाइड 24 बाई 4, तो 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 6 प्लस में 0, सिंस हियर रिमाइंडर इज 0, हेंस अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोल रही है कि जिस भी स्टेप में रिमाइंडर 0 होगा ना, उस स्टेप का डिवाइजर क्या हो जाएगा, उसका उन नंबर्स का एच सी एफ हो जाएगा। सो एच सी एफ ऑफ 4052 एंड 12576 इज इक्वल टू 4, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, 4 जो एच सी एफ होगा ना, वो इन दोनों का भी एच सी एफ है, इन दोनों का भी एच सी एफ 4 है, इन दोनों का भी एच सी एफ 4 है, और इन दोनों का भी एच सी एफ 4 है, इन दोनों नंबर्स का भी एच सी एफ 4 है, इन दोनों नंबर का भी एच सी एफ 4 है, और इन दोनों नंबर का भी एच सी एफ कितना है, 4 है। तो हर एक स्टेप में जो भी दो नंबर आ रहे हैं ना, उन दोनों का एच सी एफ क्या होगा, 4 होगा। ये नहीं कि सिर्फ इन दोनों का ही एच सी एफ 4 है, हर एक नंबर का क्या है, एच सी एफ 4 है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रखा है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म 2q प्लस 1। किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर को आप डिवाइड करोगे 2 से, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देख लो 0 आ रहा है, ठीक है। और किसी भी इवन ऑड इंटीजर को आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट कितना, जो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो बस आपको इसी बात को क्या करना है, छोटे के लिए आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इसी बात को हम छोटे के लिए प्रूफ करेंगे। देखो टू प्रूव, टू प्रूव एवरी इवन इंटीजर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2q एंड एवरी ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2q प्लस 1। इसका सॉल्यूशन देखो, वी विल यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। लेट ए बी एनी नंबर, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, बी से, एंड डिवाइजर बी। अब डिवाइजर क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में क्या आ रहा है, डिवाइजर 2 आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में डिवाइजर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो डिवाइजर हमने 2 ले लिया, ठीक है ना। देन अगर आप ए को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो क्वेश्चेंट आएगा, ठीक है, और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो आप ये लिख सकते हो ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर। अब अगर किसी भी नंबर को आपने 2 से डिवाइड किया, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, देन रिमाइंडर्स आर, रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं,
जीरो एंड वन हो सकते हैं, कभी टू नहीं होगा। अभी हमने चेक किया था तो रिमाइंडर या तो जीरो आ रहा था या वन आ रहा था, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप टू से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो और टू के अलावा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है, ऐसे देखो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो टू क्यू प्लस जीरो होगा और ए इज इक्वल टू क्या होगा, टू क्यू प्लस वन होगा। अब आपको टू क्यू पे क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, टू क्यू पे देखेंगे हम ना, टू क्यू को डिवाइड कर रहे हैं टू से तो क्यू आ रहा है, एंड क्यू इज सम इंटीजर। अब टू क्यू को अगर किसी भी नंबर को टू से डिवाइड कर रहे हैं इंटीजर आ रहा है, तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, टू से। चेक कर सकते हो, एट को डिवाइड कर रहे हैं टू से फोर आ रहा है, नाइन को डिवाइड कर रहे हैं टू से 4.5 आ रहा है। देखो अगर कंप्लीटली डिवाइड है तो जो क्वेश्चन होगा ना वो इंटीजर होगा, अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो जो क्वेश्चन होगा वो नॉन इंटीजर होगा, वो इंटीजर नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे क्यू इंटीजर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखे हैं क्यू इज सम इंटीजर, इट इम्प्लाइज क्या होगा, टू क्यू इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू, इट इम्प्लाइज टू क्यू इज इवन इंटीजर। जो भी नंबर टू से डिविजिबल होगा ना कंप्लीटली वो क्या होगा, इवन इंटीजर ही तो होगा। सिंस अब पहले वाला देखो, टू क्यू भी इवन है और ये जीरो भी इवन है, अब इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन ही तो होगा, और ऑड प्लस ऑड क्या होता है, वो भी इवन होता है, लेकिन इवन प्लस ऑड क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। अब देखो सिंस टू क्यू इज इवन एंड जीरो इज ऑल्सो इवन, सो टू क्यू प्लस जीरो इज ऑल्सो इवन इंटीजर, हैंस ए इज इक्वल टू टू क्यू। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स इवन इंटीजर, एंड टू क्यू इज इवन वाइल वन इज, देखो टू क्यू तो इवन है और वन क्या है, ओड है, वाइल वन इज ओड, देन टू क्यू प्लस वन इज एन ओड इंटीजर, हेंस हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन रिप्रेजेंट्स द ओड इंटीजर। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओड इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल नंबर टू था, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर एग्जांपल नंबर थ्री करते हैं। एग्जांपल नंबर थ्री देखते हैं आप। ठीक है, आपको इसमें प्रूव करना है कि जो इवन जो ओड इंटीजर होगा ना वो 4q प्लस वन की फॉर्म में होगा, 4q प्लस थ्री की फॉर्म में होगा। मतलब किसी भी ओड इंटीजर को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, 17 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या 3 बचना चाहिए, तो 4 4 16 तो 1 बचेगा। अगर आप 19 को डिवाइड कर रहे हो 4 से तो 4 4 16 3, या तो 3 बचेगा या 1 बचेगा रिमाइंडर, इसके अलावा नहीं बचेगा। अगर आप किसी भी ओड इंटीजर को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो किससे, 4 से। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। टू प्रूव, टू प्रूव में क्या हो जाएगा, एवरी पॉजिटिव और इंटीजर किस फॉर्म में होना चाहिए, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। इसका सॉल्यूशन वी विल यूज, किसका यूज करेंगे हम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। वी विल यूज यूक्लिड्स डिवीजन
एल्गोरिथम, लेट ए इज इक्वल टू, लेट ए बी एनी पॉजिटिव और इंटीजर, और इंटीजर, और आपको इसको किससे डिवाइड करना है, एंड लेट डिवाइजर बी इक्वल टू फोर। देन अगर आप ए को डिवाइड कर रहे हो फोर से तो कोई क्वेश्चन आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस में आर, तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ज़ीरो वन टू थ्री, ये हो सकती है, फोर नहीं होगी आर की वैल्यू, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखो फोर क्यू हो जाएगा, ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस वन हो सकता है, ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस टू होगा, एंड ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस थ्री होगा। अब देखो फोर क्यू डिवाइड होता है किससे, टू से, टू क्यू इंटीजर आ रहा है तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये इवन नंबर होगा। अब इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करोगे तो भी इवन होगा, लेकिन जो LHS है ना वो क्या रही है, ऑड इंटीजर है, क्योंकि हमने ए को क्या माना है, ऑड इंटीजर माना है, तो ये तो इवन और ये ऑड है, तो इवन कैन नॉट बी इक्वल ऑड नंबर, इवन नंबर कैन नॉट बी इक्वल ऑड नंबर, तो ये रीज़न आप लिखोगे, सिंस 4q एंड 4q प्लस टू इज डिविजिबल बाई टू, सो ए इज इक्वल टू 4q एंड ए इज इक्वल टू 4q प्लस वन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। रीजन लिख देना, सिंस ए इज ऑड इंटीजर, और जो भी नंबर टू से डिविजिबल होता है वो इवन होता है, तो इवन कैन नॉट बी इक्वल ऑड, ठीक है। हैंस अब अगर ये दोनों नॉट पॉसिबल है तो बचे क्या, ये दोनों बचे, तो ये दोनों क्या होंगे, ये इवन प्लस ऑड, इवन इवन प्लस ऑड ऑड नंबर होगा, इवन प्लस ऑड क्या होगा, ऑड नंबर होगा, हैंस ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस वन एंड ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस थ्री रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव और इंटीजर, ठीक है। फटाफट एग्जाम्पल नंबर थ्री को ऐड करो, ये नोट करो, फिर हम एग्जाम्पल नंबर फोर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फोर क्या, देखो ए स्वीट सेलर, एक कोई हलवाई है, हैज़ 420 काजू बर्फीज, उसके पास 420 तो काजू बर्फी है एंड 130 बादाम बर्फीज, और 130 के बादाम बर्फीज है। सी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, ठीक है। What is the number of burpees that can be placed in the each stack for this purpose? ठीक है, अब उसके पास एक ट्रे है, स्वीट सेलर के पास, ठीक है। अब वो ईच स्टैक में ना सेम नंबर ऑफ काजू बर्फी एंड सेम नंबर ऑफ बादाम बर्फी को प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे फोर को कर रहा है काजू बर्फी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, और जो कॉलम है ना वो लेट से इतने बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया क्या, एक्स, और ये क्या हो गई, वाई, ठीक है। अब जो बादाम बर्फी है ना वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ये कितनी होनी चाहिए, सेवन होनी चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। और ये कुछ भी हो सकती है, इससे हमें मतलब नहीं है, ये वैल्यू वाई हो सकती है। अब लेकिन ये जो वैल्यूज़ है ना स्टैक में वो कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर 10 काजू बर्फीज़ है तो 10 क्या होनी चाहिए, बादाम बर्फी होनी चाहिए। अब जो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं जेड,
अब यहाँ पे जो ये जो कॉलम में बन रहे हैं वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो काजू बर्फ़ी है वो 420 है और जो बादाम बर्फ़ी है वो कितनी है 130 है। तो ये तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ईच स्टैक में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ईच स्टैक में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब काजू बर्फीज है वो कितनी है, देखो काजू बर्फीज कितनी है 420 है। तो एक्स एक्स इंटू में वाई एंड बादाम बर्फीज 130, एक्स इंटू में क्या होगा जेड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स क्या है वो देखना हमें। देखो ये बोल रखा है लीस्ट, सबसे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 10 है तो इसमें भी 10 होनी चाहिए। ठीक है, अब वो ऐसे नंबर होने चाहिए जो इन दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जैसे इसमें 10 है तो 10 420 को भी डिवाइड कर रहा है और 130 को भी डिवाइड कर रहा है। ऐसे थोड़ा ना कि यहाँ पे आप 11 थोड़ा ना लगा सकते हो, 11 लगाओगे तो क्या होगा, ये डिविजिबल ही नहीं होगा। तो देखो एक तो क्या है, दोनों कॉमन आ रहे हैं तो दोनों कॉमन होंगे। ठीक है, अब दोनों क्या है, फैक्टर है किसके, 420 और 130 के, तो दोनों क्या होंगे, फैक्टर भी होंगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, आप अगर हाईएस्ट रखनी है आपको, ठीक है, हाईएस्ट तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो मतलब आपको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है किसका, 420 और 130 का। नाउ HCF ऑफ 420 एंड 130, स्टेप फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, 420 को आप डिवाइड करो किससे, डिवाइड 420 को डिवाइड करो किससे, बाय 130। तो 420 130 इंटू में प्लस 330। ठीक है, सिंस रिमाइंडर इज नॉन जीरो, स्टेप टू डिवाइड 130 बाई 30। तो 130 को आप 30 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम क्वेश्चन 4 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। सिंस रिमाइंडर इज नॉन जीरो, स्टेप थर्ड होगी, फिर स्टेप थर्ड में क्या होगा, डिवाइड 30 बाई 10, डिवाइड 30 बाई 10। सो 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 3 प्लस में 0। हियर रिमाइंडर इज 0, सो HCF ऑफ 420 एंड 130 कितना गया, 10 आ गया। तो हर एक स्टैक में ना कितनी बर्फीज हो सकती है, कितनी बर्फी हो सकती है हर एक स्टैक में, 10। तो आप लिख दो डियर फोर ईच स्टैक शुड कंटेन 10 बर्फीज। हर एक स्टैक में क्या होगी, 10 बर्फीज होगी। तो ये एग्जांपल नंबर 4 था। आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, उससे आप एग्जांपल नंबर 4 ना वो लिख लेना। ठीक है,